So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about physics of class 11th. It is video number 7 of vector. So हम लोग parallelogram law vector कैसे use करते हैं सब कुछ बता दिए. अब last next में शुरू करने वाले थे, याद है, triangle law vector. इसमें एक triangle बनता है, ध्यान से देखिएगा. Suppose OA is a vector, मतलब O point यहाँ पहुँच गया, फिर यही point suppose B में पहुँच गया, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय लाइन जॉइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकेंड पॉइंट. इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय ओए प्लस ए बी. ओए प्लस ए बी. द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय ओए प्लस ए बी. And R is also given as root over A square, suppose ये A है, plus what? B square plus 2AB cos theta. Put arrow mark always. ये हमने पढ़ चुके थे, पिछला क्लास बताए थे, स्टेटमेंट बता दिए थे, क्लियर है. आर रिजल्टेंट जो होगा इधर की ओर, देखिए पहला का टेल और दूसरा का हेड. जैसे एक और एग्जांपल है, सपोज ओ से ए इनिशियल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट, तो व्हाट इज रिजल्टेंट? इधर की ओर है रिजल्टेंट आर. आर इज गिवन बाय ओ ए प्लस क्या होगा, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं इसको. आर इक्वल टू, तो वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है? आर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी. आर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी. कभी कभी मान लीजिए आपको ऐसा मिल गया, कोई फिगर ऐसा दिख रहा है, ओ ए बी इनिशियल पॉइंट, और आपको मान लीजिए आर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए, तो हम लोग इसको सुधारेंगे कैसे? मान लीजिए ओ ए ओ बी, बोल रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? जीरो है या नहीं? बॉडी वहीं का वहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बॉडी वहीं का वहीं, ओ से ए गया, ए से बी ओ आर, मतलब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट जीरो है, बिकॉज बॉडी ओ से ए, ए से बी और वापस ओ में पहुंच गया, मतलब पहला का टेल और दूसरा का हेड वहीं पर आ गया, ओ में ही आ गया, तो आर रिजल्टेंट जीरो है इसका. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ट्राइंगल लॉ से? देखिए इसको ट्राइंगल लॉ से कैसे लिखेंगे, क्या होगा? आर इज इक्वल टू क्या होता है? ओ ए प्लस ए बी, लेकिन आर का वैल्यू क्या है? माइनस है. आर इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट, उधर के लिए प्लस, इधर के लिए माइनस, या सब मिला के अगर इस तरह का स्थिति आता तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी प्लस आर इज इक्वल टू जीरो. क्लियर है? टोटल जीरो हुआ कि नहीं हुआ? ओ से ए, ए से बी और इधर की ओर आर है, इसलिए माइनस होगा, उधर की ओर प्लस है. क्या बताएं, पहला का टेल दूसरा का हेड में उधर होना चाहिए था, ये उल्टा है, तो यहां पे क्या होगा? माइनस होगा. तो ओ ए प्लस ए बी प्लस आर इक्वल टू जीरो. अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, एक दो एग्जांपल और दिखाते हैं. लुक हियर, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई द ट्राइंगल लॉ. ओ इज द इनिशियल पॉइंट, ए इज द फर्स्ट पॉइंट, बी इज द फाइनल पॉइंट, लेकिन फिगर ऐसे बना हुआ है, तो हम लोग क्या कहते हैं, आर इज इक्वल टू ओ ए प्लस क्या होगा? ए बी. ओ में स्टार्ट, ओ मतलब ओरिजिन, जहां से स्टार्ट होता है, तो ओ से स्टार्ट हुआ है, क्लियर है? ओ से स्टार्ट हुआ है, इसका टेल और इसका टेल, इसका क्या है? टेल. उल्टा हो गया, नहीं हो गया? फाइनल से क्या मिला जाता? फाइनल से पहला का टेल, फाइनल का हेड नहीं मिला हुआ है, तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे? तो आर तो अपना डायरेक्शन में ठीक है, ओ ए भी अपना डायरेक्शन में ठीक है, लेकिन ए बी उल्टा है कि नहीं? ए बी का डायरेक्शन उधर होना चाहिए था कि नहीं? ट्राइंगल लो अगर हमको यूज करना है, ट्राइंगल लो, तो इसको कैसे होना चाहिए था? ऐसे, लेकिन हम क्या दिए क्वेश्चन में? इस तरह से दिए हैं, तो यू हैव टू पुट माइनस ए बी साइन. अंडरस्टूड? तो डायरेक्शन फिक्स है. एक और देखिए, ओ से ए और बी, और आपको ऐसे लिखा हुआ है,
ओ इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है. तो आर इक्वल टू क्या होता है, ओ ए प्लस ए बी. ट्रायंगल लो, रिजल्टेंट फैक्टर खोजना है. तो आर तो सही डायरेक्शन में है, इनिशियल फाइनल, लेकिन ये उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, इसको इधर होना चाहिए था. तो ये भी क्या होगा, माइनस ओ ए, उल्टा है इधर की ओर, और ये भी क्या होगा, दोनों ही क्या होगा, माइनस. क्यों माइनस होगा, इसको उधर होना चाहिए था, उसको उधर होना चाहिए था, एकदम फिक्स यही डायरेक्शन को सही माना गया है. ये आर है, ये ओ ए है और ये ए बी है. तब आर इज इक्वल टू क्या होता है, ओ ए प्लस क्या होता है, ए बी. क्लियर है? तो इनमें से कोई भी उल्टा रहेगा, यू हैव टू राइट माइनस अकॉर्डिंग टू द लॉ. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आ गया? तो चलिए प्रूफ कर दें. इसका भी वही रिजल्टेंट फैक्टर, सब कुछ वही है. प्रूफ करने के लिए हम लोग को वही मेथड यूज करना है जो हम लोग प्रूफ किए थे इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर. सो लुक हियर, प्रूफ करना है. ओ ए इज ए वेक्टर सपोज ए, ए बी इज द अदर वेक्टर से बी, द रिजल्टेंट इज गिवन बाई ट्राइंगल लो. बस हो गया, ये आर है. क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब हम प्रूव करना है कि आर का वैल्यू कितना होगा जितना पहले था. तो हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे. क्या ड्रॉ करेंगे? पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे. आर को वही रहने दीजिए. इस ए बी, ए बी को हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, ए बी को हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं इसे. क्लियर है? ये ए बी इधर है, तो ये भी ओ, ये भी क्या होगा, बी होगा. क्लियर है? अब बताइए ए और बी के बीच में ये एंगल थीटा नहीं कहलाएगा. क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका टेल और उसका हेड है. इसका देखिए हेड है, इसका टेल है. थीटा कौन सा होगा? ये वाला होगा थीटा, ये वाला होगा. ये थीटा नहीं होगा नहीं तो गलती हो जाएगा. कभी भी ट्राइंगल लो में अगर रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड थीटा ये वाला होगा. अब वही टाइप का फिगर हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे. क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर. लास्ट वीडियो पढ़े होंगे, याद आ रहा है, बी एम ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर. ये अगर बी है तो बताए थे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा. इधर की ओर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा. अंडरस्टूड? थीटा ये वाला होता है, इसको इसी को तो अल्फा बोलते हैं. एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ पैरेललोग्राम, सॉरी विथ इनिशियल वेक्टर, ये अल्फा है. सब कुछ वही है. तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ओ एम. आर इज इक्वल टू ओ एम. ओ एम का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा. एक बार हम दिखाई दे रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी एम बाई बी. सो बी एम इज इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू ए एम बाई बी. सो ए एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा. कोई डाउट नहीं है? पिछला वीडियो पैरेलल लॉ वेक्टर में ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का. सो आर इज इक्वल टू ओ बी. सो आर इज गिवन बाई रूट ओवर ओ बी का वैल्यू क्या होगा, आर होगा. और ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो लिख सकते हैं ओ ए मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस क्या होगा, बी एम का होल स्क्वायर रूट ओवर. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, पहले भी कर चुके हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू ए बी कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अंडरस्टूड? ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो इन दोनों में कॉमन कर लेंगे बी स्क्वायर. तो आर इज इक्वल टू, नोट कीजिए, बता रहे हैं कर ही देते हैं.
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और सबके ऊपर एरो मार्क जरूर लिखिएगा, कॉमन कर लिए, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आंसर आ गया, लग रहा है पैरेललोग्राम, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ट्राइंगल लोग तब यूज करते हैं जब फाइनल वेक्टर का डायरेक्शन पता करना हो, और पैरेललोग्राम लोग वेक्टर में जो आर निकालते हैं वही क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, और टेन अल्फा भी उसी तरह से क्या होगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यही था ट्राइंगल लोग, नोट कर लीजिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से यू लर्न हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एंड पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर को प्लस माइनस करना तो बहुत इजी है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे होगा, तो दो तरीका का मेथड पढ़ना, एक को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो दो तरह का प्रोडक्ट पढ़ना है वेक्टर के बारे में, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड दूसरा को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इनके बारे में पढ़ने वाले। अगर स्केलर नंबर हम लोग देखिए 3 × 4 ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए क्या होता है 12, ये कोड लैंग्वेज है डॉट और क्रॉस। स्केलर नंबर 3 और 4 में कोई डायरेक्शन नहीं है, 3 एंड 4 आर ओनली मैग्नीट्यूड, इफ यू प्रोडक्ट 12, डॉट भी लिखते कभी कभी डॉट लिख देते कभी क्रॉस लिख देते हैं, ये क्रॉस साइन है ये डॉट साइन है, लेकिन स्केलर में डॉट लिखिए क्रॉस लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडरस्टूड। लेकिन वेक्टर में अलग अलग, डॉट का अलग मीनिंग है और क्रॉस का अलग मीनिंग है, कब करेंगे डॉट और कब करेंगे क्रॉस ये सब बताने वाले हैं, कैसे करते ये भी बताने वाले, क्यों करते वो भी बताने वाले हैं, एकदम ध्यान समझिएगा। तो पहले स्टार्ट करते, ध्यान से सुनिएगा मत घबराइएगा, इसको अगर जान गए तो समझिए 12th क्लास का मैथमेटिक्स में वेक्टर चैप्टर है 6 मार्क्स का, अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है, कोई अच्छा से 11th पढ़ लेगा 6 नंबर वहां उसका एकदम रिजर्व हो जाएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट मतलब ये साइन, ये कोड लैंग्वेज डॉट साइन है, कब यूज करेंगे डॉट, सपोज ए इज ए वेक्टर एंड बी इज अदर वेक्टर, थीटा एंगल रिजल्टेंट खोजने आता है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अंडरस्टूड क्या बोल रहे हैं, दोनों को रिजल्टेंट खोजने आता है ना, उसका मैच्योरिटी खोजने आता है, लेकिन ए और बी को अभी मल्टीप्लाई करना है, ए डॉट बी, ध्यान से सुनिएगा ए डॉट बी, डॉट ही लिखना है, ऐसे लिखेंगे गलती दूसरा मीनिंग है इसका, ऐसे लिखेंगे गलती दूसरा मीनिंग है इसका, डॉट लिखेंगे, इसको डिफाइन किया गया ए डॉट बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और क्या होता है कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा, कॉस क्यों लिखे सब बताइए, डिफिनेशन है, पहले समझिए ए और बी, इफ ए एंड बी आर मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम देन द क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए डॉट सॉरी देन द डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय सॉरी इज गिवन बाय ए डॉट, देखिए डॉट साइन लिखे हैं, क्या लिखे हैं डॉट साइन, मोड ए, ए का जितना मैग्नीट्यूड है बी का कितना मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अब कॉस क्यों लिखे हैं बताएंगे अभी, और कब डॉट लिखते हैं बताएंगे अभी। सो लुक हियर नेक्स्ट, तो पहला बात डॉट कब करते हैं और कैसे करते हैं, वी कैन प्रोडक्ट, वी कैन प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स ओनली व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन,
वी कैन प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग दो वेक्टर को जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। और डॉट इसलिए करते हैं ना, रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा ए और बी को मल्टीप्लाई करने से एक नया वेक्टर आएगा, उसका डायरेक्शन हमको नहीं चाहिए। हमको क्या करना है, सिर्फ वेक्टर को प्रोडक्ट करना है, नो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिक्वायर्ड। मतलब ए डॉट बी तब करते हैं जब हम लोग को दोनों का रिजल्ट से रिजल्ट का डायरेक्शन नहीं चाहिए, नो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज रिक्वायर्ड। डॉट तब करते हैं जब दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, किधर गया, कोई मतलब नहीं, उसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, तभी हम लोग को डॉट करना चाहिए, पहला बात। और दूसरा बात, हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन। सो लुक हियर, तो यहां पे देखिए, सोच रहे होंगे सर कोस काहे लिख दिए हैं, ए इधर बी इधर, थीटा उनके बीच का एंगल, ए इंटू बी नहीं कर सकते हम लोग की मोड़े मोड़ी भी कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, वाई इट इज नॉट पॉसिबल। ए इधर है बी उधर है और दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, मोड़े मोड दोनों का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, वी कांट मल्टीप्लाई सिंपली देयर मैग्नीट्यूड, वी कांट मल्टीप्लाई सिंपली देयर मैग्नीट्यूड। पहले ये बात समझिए, ए इधर बी उधर थीटा, इनको मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ा कभी, कैसे करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, ए और बी को अभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बी को इधर की ओर घुमा दे तो, प्रोजेक्ट कर दे तो ए के ऊपर, अगर हम बी को ए के ऊपर प्रोजेक्ट कर दे, जैसे ये ए है ये बी है और ये थीटा है, तो बी को हम क्या कर दे, इधर की ओर ला दे, बी को इधर घुमा दे, तो देखिए इन ट्राइंगल कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ए बाई बी होगा, नहीं बेस बाई हाइपोटेनस, सो यानी ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी कॉस थीटा, यानी क्या बोलेंगे, बी को इधर लाएंगे तो बता भी चुके हैं क्या होगा, बी कॉस थीटा, बेस बना दिए बी कॉस थीटा, यानी क्या बोलेंगे, ए एंड बी कॉस थीटा, बी अकेले नहीं, बी को अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आर इन क्या होगा, सेम डायरेक्शन, ए एंड बी आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, बट ए एंड बी कोस थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी कांट मल्टीप्लाई ए इंटू ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी। हम लोग अब किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब हम लोग के पास फिगर ऐसा हो गया, बी इधर ए इधर और ये क्या हो गया, बी कॉस थीटा, बी को इधर को कर दिए, थीटा एंगल्स घुमा दिए, तो हम लोग कर सकते ना मल्टीप्लाई, ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का मोड प्लस बी कॉस थीटा का मोड, कॉस थीटा थीटा ही है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, नोट कर लीजिए। सो इन दिस वे यू लर्न व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा, फिर एक बार और, बी इधर है थीटा है ये ए है, बी को इधर लगेंगे तो क्या बोलेंगे, बी कॉस थीटा। तो देखिए पहला बात बहुत चीज इसके अंदर, बी कोस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी को ए में फेंकने से बी कॉस, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोलते हैं, बी को ए में प्रोजेक्ट कर देना, समझ गया, बी कोस थीटा इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी उधर है ए इधर है, बी को बोल देगा व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, सीधे क्या कर देंगे, बी कॉस थीटा निकाल देंगे, या बी कॉस थीटा निकालना है, बी मतलब मोड बी कॉस थीटा की बात है, बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इधर ए डॉट बी बाई ए इधर आ जाएगा, लिख सकते कि नहीं, बी कॉस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मोड ए,
दूसरा बात, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, जिधर ए है उधर ही बी है, तो पक्का थीटा क्यों जरूरत है? हमको जरूरत ही नहीं गिराने का उसको, अपने उसके ऊपर गिरा हुआ ए जिधर है बी उधर है, या बोलिए कि ए के पैरेलल है बी, एक ही बात है, ए और बी पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री। तब सिंपली हम लोग कोस लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, मोड ए मोड बी कोस जीरो डिग्री, मोड ए मोड बी कोस जीरो वन। देखिए सिंपली उनका मोड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो वाई टू राइट कोस थीटा कोस जीरो डिग्री इक्वल टू वन, अंडरस्टूड? ए डॉट बी मोड ए मोड बी कोस जीरो डिग्री, कोस जीरो डिग्री कितना था? वन होता है। सिंपली मोड ए मोड बी, अगर दोनों वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी, नो नीड टू राइट कोस थीटा बिकॉज कोस जीरो डिग्री विल बिकम वन। अगर दोनों वेक्टर एग्जाम का क्वेश्चन ओपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या होगा? ए डॉट बी का वैल्यू तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, बी को इधर लाना पड़ेगा, उधर लाएंगे तो 180 से घुमाना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू 180, मोड ए मोड बी कोस 180, मोड ए आपको एरो मार्क अपने से लिख लीजिए, हमसे छूट भी जाएगा, तो यानी माइनस होगा, अंदाज हो गया होगा माइनस का ही होगा, क्योंकि दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अंडरस्टूड? पहला, व्हाट इज द प्रॉपर्टी जो हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट, बी कोस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए डॉट बी बाई मोड ए, ए डॉट बी पता है इस, या तो बी कोस से डायरेक्ट निकाल दीजिए, बी पता है कोस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर ए डॉट बी को मोड ए से डिवाइड करेंगे। दूसरा, ए और बी अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन, बोथ वेक्टर इन पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन, देन थीटा विल बी जीरो डिग्री कोस जीरो वन, सीधे ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी। एंड व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन ओपोजिट डायरेक्शन, द वैल्यू विल बी माइनस ऑफ मोड ए मोड बी। एंड फोर्थ वन यहीं पर लिख दे रहे हैं, ए और बी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर थीटा विल बी 90 डिग्री, एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस 90 डिग्री, क्या होता है? जीरो। आंसर हो जाएगा जीरो। ऐसा पढ़े होंगे क्लास नाइन्थ में, वर्क चैप्टर पढ़े होंगे, व्हाई द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन ए कुल्ली lifts the load and works even though the work done will be zero by gravity, why? Force नीचे की ओर लग रहा है, body जा रहा है उधर 90 degree, displacement sorry force का direction इधर की ओर है और body जा रहा है उधर 90 degree बनता है, so work done is equal to zero, F dot S, Fs cos 90 degree zero था। तो ये था property, जो और ही property जिसको आपको बताएंगे next video में, तो मिलते हैं आपसे next video में, note कर लीजिए सारा बात।